टू स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 16 ग्राम नेगेटिव कोकाय। ग्राम नेगेटिव कोकाय के अंदर दो आते हैं, नेजेरिया स्पीशीज, नेजेरिया गनोरिया एंड नेजेरिया मेनिनजाइटिस। नेजेरिया गनोरिया क्या क्या कॉज करता है? गनोरिया, पीआईडी, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस, न्यूनेटल कंजक्टिवाइटिस। और नेजेरिया मेनिनजाइटिस या मेनिंजोकोकस क्या करता है? जीनोकोकस है, गनोरिया और मेनिनजाइटिस है। ये हमारे पास मेनिंजियोकोकेमिया और मेनिनजाइटिस कॉज कर सकते हैं मेनिंजियोकोकस। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ क्या है नेजेरिया मेनिनजाइटिस के पास? हमारे पास कैप्सूल होता है, पॉलीसेक्राइड कैप्सूल, जो कि इसकी वायरलेंस को बढ़ा देता है। और इसी कैप्सूल की बेस पे इसकी 13 सीरोलॉजिकल ग्रुप बन जाते हैं। 5 सीरोटाइप्स जो हैं मोस्ट केसेस के अंदर होती हैं, ए बी सी वाई और W135। सीरोटाइप ए जो है वो लीडिंग कॉज है एपिडेमिक मेनिनजाइटिस की वर्ल्ड वाइड। सीरोटाइप बी जो है वो यूएस के अंदर इंपॉर्टेंट कॉज है, इम्यूनोजेनिक इन ह्यूमन होती है ये, और इसकी वैक्सीन प्रेजेंट नहीं है। सीरोटाइप ए और सीरोटाइप बी, सीरोटाइप ए एपिडेमिक है, एपिडेमिक मतलब वर्ल्ड वाइड, और सीरोटाइप बी एंडेमिक है यूएस के लिए। ये हमारे पास मेनिंजियोकोकेमिया की क्लिनिकल पिक्चर है। मेनिंजियोकोकेमिया मेनिंजियोकोकस यानी कि नेजेरिया मेनिनजाइटिस की वजह से होता है। नेजेरिया गनोरिया जो है वो गोनोकोकस है। गोनोकोकस के पास पॉलीसेक्राइड कैप्सूल नहीं होता, लेकिन इसके 100 सीरोटाइप्स हैं एंटीजेनसिटी ऑफ पिलस प्रोटीन की वजह से। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ बैक्टीरियल मेनिनजाइटिस कौन कौन से हैं? नंबर वन पे है स्ट्रेप्टोकोकस नमूनाए, और सेकंड पे है हमारे पास नेजेरिया मेनिनजाइटिस। अब हमने बात की कि गोनोकोकस जो है वो अपने पिलाए की बेस पे सीरोटाइप्स बनाता है 1 से लेकर 100 तक, जिनके गोनोकोकाय के 3 आउटर मेम्ब्रेन होते हैं, क्योंकि ये ग्राम नेगेटिव है। ग्राम नेगेटिव में हमने कहा था कि बाहर वाली साइड पे लिपो पॉलीसेक्राइड या लिपो ऑलिगोसेक्राइड की लेयर होती है। नेजेरिया के अंदर हमारे पास लिपो ऑलिगोसेक्राइड की लेयर होती है, और वैसे एंटायरिक ग्राम नेगेटिव रॉड्स जो होते हैं, जो दूसरे होते हैं, उनके अंदर लिपो पॉलीसेक्राइड की लेयर होती है। लिपो पॉलीसेक्राइड और ऑलिगोसेक्राइड इन दोनों के अंदर एक चीज़ होती है, लिपिड ए। लिपिड ए जो है वो टॉक्सीजेनिक है, और लिपोपोलीसेक्राइड के लिपो ऑलिगोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड के अंदर सिर्फ ये डिफरेंस है कि ऑलिगो के अंदर फ्यू शुगर होंगी और इसके अंदर रिपीटेड शुगर साइड चेन होंगी पॉलीसेक्राइड के अंदर। ग्रोथ ऑफ बोथ ऑर्गेनिज्म जो है वो हमारे पास टॉक्सिक ट्रेस मेटल्स हम करते हैं, इनहिबिटेड बाय टॉक्सिक ट्रेस मेटल और फैटी एसिड फाउंड इन द कल्चर मीडिया। कौन से कल्चर मीडिया के अंदर? ब्लड डैगर के अंदर। ब्लड डैगर के ऊपर इनकी ग्रोथ जो है वो इनहिबिट हो जाएगी, देयरफॉर दे आर कल्चर्ड ऑन चॉकलेट डैगर। चॉकलेट डैगर के ऊपर इनको ग्रो किया जाता है। चॉकलेट डैगर क्या है कि ब्लड कल्चर की प्लेट को हम 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक अगर हीट करें तो उससे हमारे पास इनहिबिटर्स इनएक्टिवेट हो जाते हैं और चॉकलेट कलर आ जाता है ब्लड को हीट करने से। नेजेरिया जो है वो ऑक्सीडेज पॉजिटिव स्पीशीज हैं, ऑक्सीडेज टेस्ट पॉजिटिव देंगे क्योंकि इनके पास साइटोक्रोम सी होता है। और अगर हम फिनाइल डायामाइन इसको किसी कुलमीज में लैब डायग्नोस्टिक टेस्ट के तौर पर डालें तो ये पर्पल या ब्लैक कलर की ऑक्सीडेशन, एज रिजल्ट ऑफ ऑक्सीडेशन ये पर्पल और ब्लैक कलर के हो जाते हैं, ऑक्सीडेज पॉजिटिव। ये हमारे पास क्लिनिकल पिक्चर है ऑक्सीडेज टेस्ट की। ऑक्सीडेज टेस्ट के अंदर ये जो हमारे पास दो बैक्टीरियल कॉलोनीज ली हैं उनके ऊपर हमने डाई डाला है, कौन से वाला? कोई अमाइन डाई डाला है, फिनाइल डायामाइन का डाई डाला है, जिसकी वजह से ये जो है पर्पल या ब्लैक कलर की नजर आएंगी। जो पर्पल ब्लैक हो जाएंगी ऑक्सीडेज टेस्ट पॉजिटिव होगा। ऑक्सीडेज टेस्ट किस स्पीशीज के लिए पॉजिटिव है? नेजेरिया के लिए। यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा, प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलीसेक्राइड कैप्सूल ऑफ मेनिंजोकोकस। मेनिंजोकोकस कौन सा था? मेनिनजाइटिस वाला, नेजेरिया मेनिनजाइटिस। इसका एंटीफेगोसाइटिक एक्शन बढ़ा देता है, वायरलेंस बढ़ा देता है, सीरोलॉजिकल टाइप्स आ जाती हैं इसके अंदर ए से अबाउट हंड्रेड्स, और इस द एंटीजन डिटेक्टेड इन द स्पाइनल फ्लूइड के अंदर डिटेक्ट हो सकता है, और इसी एंटीजन से हम वैक्सीन भी बना सकते हैं। नेजेरिया जो है वो ग्राम नेगेटिव को काए हैं, और ये हमारे पास जो है पेयर्ड किडनी बीन फॉर्म में अपेयर होते हैं, जस्ट लाइक दिस पेयर किडनी बीन फॉर्म। एक ब्रो पेयर किडनी बीन फॉर्म का इस तरह का होगा कुछ। मेनिनजाइटिस क्या करता है? मेनिनजाइटिस और मेनिंजोकोक्सीमिया। ट्रीटमेंट क्या? पेनिसिलिन जी। और गनोरिया क्या है? ये पायोजेनिक यानी कि पस प्रोड्यूसिंग है, लोकल के अंदर गनोरिया करता है। अगर ये सेंड कर जाए तो पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, डिसेमिनेटेड के अंदर डिसेमिनेटेड गोनोकोकल इन्फेक्शन, और न्यूनेटल के अंदर कंजक्टिवाइटिस या ऑफ्थेल्मिया न्यूनेटोरम। इसके अंदर सेफ्ट्रायोक्सोन या सिफॉक्सिटिन जो है प्लस डॉक्सीसाइक्लिन, ये हम ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं। नेजेरिया मेनिनजाइटिस जो है ये इसका पोर्टल ऑफ एंट्री यानी कि कहाँ से दाखिल हो सकता है? रेस्पिरेशन से, और ये जेनिटल ट्रैक से। पॉलीसेक्राइड कैप्सूल प्रेजेंट होगा, एब्सेंट होगा, माल्टोस फर्मेंटेशन करेगा, नहीं करेगा, बीटा लैक्टामेज इसके अंदर कुछ भी नहीं है। इसके अंदर है अवेलेबल वैक्सीन मेनिनजाइटिस की है, गनोरिया की नहीं है। दिस इज द क्लिनिकल पिक्चर ऑफ ऑफ्थेल्मिया न्यूनेटोरम या न्यूनेटल कंजक्टिवाइटिस, जो कि नेजेरिया गनोरिया की वजह से हो रहा है। और ये हमारे पास पुरलेंट यूरेथ्रल डिस्चार्ज है, जो कि हमारे पास नेजेरिया गनोरिया की वजह से हो रहा है। नेजेरिया मेनिनजाइटिस यानी कि मेनिंजोकोकस। मेनिंजोकोकस की अगर पैथोजेनेसिस की बात करें
सबसे पहले ये हमारे पास कैसे जाता है, थ्रू रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे कि एयरबॉर्न ड्रॉपलेट्स के इनहेलेशन की वजह से नोज़ेरिया मेनिनजाइटिस जो है वो नेसोफ्रेंजियल मेम्ब्रेन को ऑक्यूपाई कर लेता है, कॉलोनाइज हो जाता है वहाँ पे और सेटल करता है ट्रांसगेंट ट्रांसगेंटली, मतलब थोड़ी देर के लिए ये नॉर्मल फ्लोरा के तौर पर रहता है। फिर जब पर्सन जो है वो एसिम्प्टोमेटिक, इस टाइम पे पर्सन जो है वो एसिम्प्टोमेटिक करियर के तौर पर एक्ट करता है और दूसरे लोगों तक इन्फेक्शन का सोर्स होता है। फिर अगर मेनिनजोकोकल स्ट्रेन जो है वो हाई वायरलेंस की हो और यहाँ बंदे की इम्यूनिटी जो है वो लैक हो, इंडिविजुअल लैक एंटीबॉडीज टू द करंट स्ट्रेन, तो फैक्टर जो है वो उसकी ट्रांसमिशन ज़्यादा से ज़्यादा होगी और उससे बैक्टीरिया ऑर्गेनिज्म जो है वो स्प्रेड कर जाएगा ब्लड स्ट्रीम में, ब्लड स्ट्रीम में जाएगा तो वहाँ से ये ब्रेन में जाएगा तो ये करेगा मेनिनजाइटिस और पूरी बॉडी के अंदर डिसेमिनेट लैदा लैदा हो जाएगा तो उससे हो जाएगा मेनिनजोकोकीमिया, जिसकी हमने क्लिनिकल पिक्चर पिछली पिक्चर में भी देख, ये हमारे पास क्लिनिकल पिक्चर मेनिनजोकोकीमिया की। 5% पीपल जो होते हैं वो क्रॉनिक कैरियर स्टेट के अंदर होते हैं और दूसरों के लिए सोर्स ऑफ एक्शन होते हैं, और 35% पीपल जो क्लोज क्वार्टर में होते हैं मेनली वो इसके कैरियर स्टेज के अंदर होते हैं। न्यूबॉर्न या इन्फेंट डेथ की 2 ऑर्गेनिज्म 80% कॉज हैं बैक्टीरियल मेनिनजाइटिस की, वो हमारे पास कौन से स्ट्रेप्टोकोकस नमूना है और नोज़ेरिया मेनिनजाइटिस। मेनिनजोकोकस जो है इसके अंदर हमारे पास 4 चीज़ें जो है इसको विरुलेंस देती हैं। नंबर 1 इसका पॉलीसेक्राइड कैप्सूल, पॉलीसेक्राइड कैप्सूल जो है वो इसको पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर जो ल्यूकोसाइड्स होते हैं उनसे बचाता है, PMNS यानी कि न्यूट्रोफिल्स वगैरह से, फेगोसाइटोसिस से बचा लेता है। दूसरी चीज़ है इसका एंडोटॉक्सिन, चूँकि ग्राम नेगेटिव है तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का हमारे पास हमें पता है कि एंडोटॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं, एंडोटॉक्सिन से फीवर और शॉक प्रोड्यूस होता है। तीसरी चीज़ है IgA protease जो है वो अटैच कराता है इसको बैक्टीरिया को अपर रेस्पिरेटरी पैसेजेस से और इम्यूनोग्लोबुलिन ए को तोड़ता है, इम्यूनोग्लोबुलिन ए को, एंटीबॉडी को। फैक्टर एच, चौथी चीज़ है फैक्टर एच बाइंडिंग प्रोटीन जो है वो मेनिनजोकोकीमिया को फैक्टर एच पे बाइंड कराती है और ये हमारे पास इनहिबिशन कराती है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की फैक्टर C3B की। जब C3B एक्टिवेट नहीं होगा तो ऑप्शनाइजेशन नहीं होगी जिससे बैक्टीरिया जो है फेगोसाइटोसिस से बच जाएगा। 4 चीज़ें कौन सी है, पॉलीसेक्राइड कैप्सूल, एंडोटॉक्सिन, IgA प्रोटीएज, फैक्टर एच बाइंडिंग प्रोटीन। नोज़ेरिया मेनिनजाइटिस की 4 चीज़ें कौन सी हैं, पॉलीसेक्राइड कैप्सूल, एंडोटॉक्सिन, IgA प्रोटीएज, फैक्टर एच बाइंडिंग प्रोटीन। रेजिस्टेंस टू द डिजीज रिलेट टू द एंटीबॉडीज, मोस्टली ये होता है कि जो भी कैरियर स्टेट्स में होते हैं ऑर्गेनिज्म उनके अंदर एंटीबॉडीज प्रेजेंट बन जाती हैं 2 हफ्तों के अंदर अंदर कॉलोनाइजेशन के बाद, और वो जो हैं वो इसकी रेजिस्टेंस में चले जाते हैं डिजीज की, लेकिन दूसरों के लिए कैरियर के तौर पर एक्ट करते हैं। नोज़ेरिया इन्फेक्शन की 2 ही हमारे पास क्लिनिकल फीचर्स हैं, क्लिनिकल एस्पेक्ट्स हैं, एक मेनिनजाइटिस, दूसरा मेनिनजोकोकीमिया। मेनिनजाइटिस कब होगा, जब ब्रेन इन्फेक्ट होगा, जब बॉडी में इन्फेक्शन होगी तो मेनिनजोकोकीमिया होगा। मेनिनजाइटिस के अंदर फीवर, हेडेक, स्टिफ नेक, इंक्रीज पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर सेल्स इन स्पाइनल फ्लूइड, वॉमिटिंग, हेडेक एंड फोटोफोबिया, लाइट का फोबिया हो जाएगा मेनिनजाइटिस के केस में। और मेनिनजोकोकीमिया के अंदर सेप्टिक शॉक, फीवर, हाइपोटेंशन, रैश, वाटर हाउस फ्रेडरिशन सिंड्रोम, मोस्ट सीवियर केसेस के अंदर हमारे पास बहुत ज़्यादा बुखार होता है, शॉक होता है और पर्पुराज यानी कि पर्पल पैचेस स्किन के ऊपर आ जाते हैं जैसे हमने पहले देखे। DIC डिसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोएगुलेशन और एड्रीनल इंसफिशेंसी यानी एड्रीनल हॉर्मोन्स जो हैं वो कम हो जाते हैं। लैब डायग्नोसिस की अगर हम बात करें तो ये माइक्रोस्कोपी पे जब हम देखेंगे ग्राम नेगेटिव हैं, पिंक कलर के नज़र आएंगे, किडनी शेप नज़र आएंगे, डिप्लोकोकाई नज़र आएंगे स्पाइनल फ्लूइड के स्मियर में। कल्चर पे देखेंगे तो हम ऑक्सीडेज टेस्ट करेंगे वो पॉजिटिव आएगा, ग्लूकोज माल्टोज फर्मेंट करेंगे, चॉकलेट एगर पे ग्रो करेंगे 37 डिग्री सेंटीग्रेड 5% कार्बन डाइऑक्साइड में। रैपिड टेस्ट इसके लिए क्या है, लैटेक्स एग्लूटिनेशन टेस्ट जो कि पॉलीसेक्राइड कैप्सूल के खिलाफ होता है। सीरोलॉजी की बेस पे हमारे पास फ्लोरिसेंस लेबलिंग हम AB स्टेनिंग करेंगे। नोज़ेरिया मेनिनजाइटिस और गनोरिया के दरमियान में डिफरेंस कैसे करना है, ऑन द बेसिस ऑफ शुगर मेटाबॉलिज्म, शुगर मेटाबोलाइज करेंगे हमारे पास माल्टोज नोज़ेरिया कोकाई और गोनोकोकाई जो है वो हमारे पास नहीं करेंगे शुगर को मेटाबोलाइज। प्रिवेंशन कैसे हो सकती है हमारे पास नोज़ेरिया गनोरिया की, कीमोप्रोफाइलेक्सिस यानी कि पहले से ही दवाई वगैरह लेना स्टार्ट कर दें, इम्यूनाइजेशन करा लें जिसकी वजह से हमारे पास मेनिनजोकोकल डिजीजेस या फिर रिफेम्पिन और सिप्रोफ्लेक्सिन जो है वो एस प्रोफाइलेक्सिस यूज़ करें जब हमारे पास क्लोज कॉन्टैक्ट हो पेशेंट के साथ या कैरियर्स के साथ। इसके अलावा डिफरेंट वैक्सीन है AC, गैमा, W153 के अलावा के खिलाफ कॉन्जुगेट वैक्सीन जिनको कहते हैं। इसके अलावा हमारे पास मेनिवो है, मेनिवो भी हमारे पास वैक्सीन है जिसके अंदर हमारे पास कॉन्जुगेशन किसके साथ की गई, डिफ्थेरिया टॉक्सिन के खिलाफ। मैनहिब्रक्स है, मैनहिब्रक्स के अंदर 2 पॉलीसेक्राइड हैं C और गैमा और साथ में इन्फ्लुएंजा के खिलाफ वैक्सीन है। तीसरी वैक्सीन है हमारे पास
मेन्यूम्यून, ये अनकॉन्जुगेटेड वैक्सीन है जिसके अंदर चारों पॉलीसेक्राइड्स जो इसके थे ए सी गैमा और W150-130। अफ्रीका के अंदर कौन सी है, मैन एफ्री वैक। नेक्स्ट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हमारे पास नजेरिया गनोरिया। नजेरिया गनोरिया जो है फैकल्टेटिव इंट्रासेलुलर पैथोजन है जो कि रिजाइड करता है न्यूट्रोफिल्स के अंदर। इसकी अगर हम बात करें तो ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है, जेनिटल ट्रैक के अंदर मोस्टली इन्फेक्शन करता है, बट एनोरेक्टल और फेरेंजियल इन्फेक्शन का भी सोर्स है। इसके अंदर लिपो ऑलिगोसेक्राइड एस एंडोटॉक्सिन होता है, आउटर मेम्ब्रेन में IgA प्रोटीएज होता है जो कि IgA को हाइड्रोलाइज करेगा, जैसे हमने पीछे देखा नजेरिया मेनिनजाइटिस के केस में। इसके अलावा हमारे पास गोनोकोका इन्फेक्शन जो है वो प्राइमरली म्यूकोसल सरफेस ऑफ यूरेथ्रा वजाइना के अंदर इन्फेक्शन कॉज करता है, लेकिन डिसेमिनेशन भी हो सकती है। डिसेमिनेशन जो है वो गोनोकोकाय की दूसरे इन्फेक्शन से ज़्यादा होती है। इसके अलावा द मैकेनिज्म ऑफ सीरम रेजिस्टेंट भी है इसके अंदर। इसके अंदर जो पोरिन प्रोटीन है, पोरिन ए सेल वॉल के अंदर, वो इसकी C3b को इनएक्टिवेट कर देती है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में, इसकी वजह से फेगोसाइटोसिस नहीं हो सकती। नजेरिया गनोरिया के पास पॉलीसेक्राइड कैप्सूल नहीं होता। एंटीजेनिसिटी एंड एंटीजेनिक वेरिएशन जो है वो पिलस प्रोटीन की बेस पे होती है। ये प्रोटीन्स जो हैं वो तीन आउटर मेम्ब्रेन होती हैं इसके पास। प्रोटीन कौन सी है, पाइलन वाली प्रोटीन 1, 2, 3। प्रोटीन 2 जो है अटैचमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म कराती है, और एंटीजेनिसिटी पैथोजेनेसिस क्या है कि पिलाए जो हैं उनके अंदर एंटी फेगोसाइटिक और अटैच कराते हैं ये बैक्टीरिया को म्यूकोसल सरफेस से। आउटर मेम्ब्रेन प्रोटीन जो हैं वो हमारे पास मीडिएट कराते हैं अटैचमेंट। IgA प्रोटीएज जो है वो IgA को हाइड्रोलाइज करेगा, और एंडोटॉक्सिन जो है वो लिपोऑलिगोसेक्राइड होता है उसके अंदर, वहाँ से फीवर और शॉक होगा। सीरम रेजिस्टेंस क्या है कि इसके अंदर प्रोटीन होती है पोरिन ए, सेल वॉल के अंदर पोरिन चैनल होते हैं, पोरिन ए टाइप चैनल जो है वो C3b को इनएक्टिवेट करता है। C3b को इनएक्टिवेट करेगा तो ऑक्सीजनाइजेशन कम होगी, फेगोसाइटोसिस कम हो जाए आएगी। इसके अलावा ये एक्टिवेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट पाथवे को जो है कम करता है, जिसकी वजह से किलिंग ऑफ एबीज जो है वो कम होती है, सीरम रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हो जाती है, बेदर नजेरिया गनोरिया। गोनोकोकल इन्फेक्शन की अगर हम बात करें तो इसके कुछ फीचर्स हैं। क्या फीचर्स हैं, ये लोकलाइज इन्फेक्शन है, मेल यूरेथ्राइटिस और एपिडिडिमाइटिस कॉज करता है। फीमेल के अंदर ये लोकलाइज क्या करेगा, सेल्फ इनजाइटिस यानी कि फ्लोपियन ट्यूब की इन्फ्लेमेशन और PID, स्टेरिलिटी और एक्टोपिक प्रेगनेंसी। डिसेमिनेटेड अगर हो जाए तो सेप्टिक आर्थराइटिस, टीनोसाइनोवाइटिस और पस्ट्यूल्स कॉज करेगा। अगर हमारे पास होमोसेक्सुअल इंडिविजुअल के अंदर प्रोसाइटिस, एनोरेक्टल इन्फेक्शन, थ्रॉट इन्फेक्शन, फेरेंजाइटिस कॉज कर सकते हैं, और न्यूनेट्स के अंदर ऑफथैल्मिया, न्यूनेटोरम। दोबारा से अगर ये रिवाइज करें, मेल्स के अंदर ये यूरेथ्राइटिस और एपिडिडिमाइटिस कॉज करेगा, एपिडिडिमिस की इन्फ्लेमेशन या यूरेथ्रा की। फीमेल के अंदर सेल्फ इनजाइटिस, PID, स्टेरिलिटी या एक्टोपिक प्रेगनेंसी कराएगा। डिसेमिनेटेड पूरी बॉडी के अंदर सेप्टिक आर्थराइटिस, जॉइंट्स की इन्फ्लेमेशन, टीनोसाइनोवाइटिस, साइनोवियल फ्लूइड वगैरह वाली साइनोवियल कैविटीज की इन्फ्लेमेशन कराएगा, पस्ट्यूल्स बनवाएगा स्किन के ऊपर। होमोसेक्सुअल में प्रोसाइटिस, एनोरेक्टल इन्फेक्शंस, थ्रॉट इन्फेक्शन, फेरेंजाइटिस और न्यूनेट्स के अंदर ऑफथैल्मिया, न्यूनेटोरम। लैब डायग्नोसिस की बात करें तो ग्राम स्टेनिंग के ऊपर या कल्चर के डिस्चार्ज के ऊपर, कल्चर ऑफ डिस्चार्ज जो भी है उधर हम न्यूक्लिक एसिड एम्पलीफिकेशन टेस्ट करते हैं इसकी स्क्रीनिंग के लिए। मेन में ये है ग्राम नेगेटिव डिप्लोकोका, मेन में वुमेन में होगा यही ग्राम नेगेटिव डिप्लोकोका विद इन पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर सेल्स, यानी कि न्यूट्रोफिल्स के यूरेथ्रल डिस्चार्ज होगा, उसके अंदर जो न्यूट्रोफिल प्रेजेंट होगा उसके अंदर प्रेजेंट होगा ग्राम नेगेटिव कोका डिप्लोकोका की फॉर्म में, नजेरिया गनोरिया। और वुमेन के अंदर ये ग्राम स्टेनिंग अगर हम करेंगे तो उसको डिफिकल्ट हो जाएगी उसकी इंटरप्रिटेशन, क्योंकि कल्चर्स, इसके लिए कल्चर्स वगैरह करने पड़ेंगे, क्योंकि वहाँ पे सर्वाइकल स्पेसिमन फॉल्सली पॉजिटिव भी दे देता है। अभी स्पेसिमन हमने कल्चर किस पे करने हैं, सर्विक्स और यूरेथ्रा से जो लेंगे, ये म्यूकोसल साइट से। थायर मार्टन मीडियम एक है, TM मीडियम, या फिर जो कि है चॉकलेट टैगर के ऊपर हम एंटीबायोटिक्स कौन कौन सी लगाएंगे, वैंकोमाइसिन, कोलेस्टिन, ट्राइमेथोप्रिम और नायास्टिटिन, ये जो है एंटीबायोटिक्स लगा के तो हम लोग ये टेस्ट करेंगे। इसके अलावा ऑक्सीडेज पॉजिटिव होगा, नजेरिया स्पीशीज ऑक्सीडेज पॉजिटिव होंगी, और इनके कंपैरिजन में कोई भी ऑक्सीडेज नेगेटिव मेंबर होगा। स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन गोनोकोकस यानी कि गनोरिया की है ग्लूकोज की फर्मेंटेशन, माल्टोज को ये फर्मेंट नहीं करता, ग्लूकोज को फर्मेंट करता है। इसके अलावा PCR करा के, न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट करा के तो इसको डायग्नोज किया जा सकता है। ट्रीटमेंट क्या है, सेफ्ट्राइक्सोन के साथ एजिथ्रोमाइसिन देंगे एनी गोनोकोकल स्ट्रेन को जो कि रेजिस्टेंट होगी सेफ्ट्राइक्सोन से, उसके अंदर हम एजिथ्रोमाइसिन ऐड करेंगे।